Good evening. Good evening. Good evening, good evening, sir. Good evening, Mila. ओके चलो जी भी फंक्शन से स्टार्ट करेंगे ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या राइज होता है कि रिलेशन जो है सो वाई वी हैव स्टडी रिलेशन है ना, उसमें कोई बहुत खास या टॉप चीज तो थी नहीं एंड एवरीथिंग वाज जस्ट एक डेफिनेशन की फॉर्म में है या रटने वाली चीजें है ना। तो जो सेट्स है, सेट्स में जो रिलेशंस है बेटा, वो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर इट्स गेटिंग लॉट ऑफ यूसेजेस देयर। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन जो है वो एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसको बस हम फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग, अगर मैं यहाँ पर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ठीक है, सच दैट लेट से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अभी यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे फंक्शंस के एलिमेंट्स होंगे है ना, जो रिलेशन वाला सेट है हमारे उसके जो एलिमेंट्स होंगे। तो इफ आई एम टेकिंग x as 1, y is 1, इफ आई एम टेकिंग x as 2, y is 4, x as 3, y is 9 and so on। अभी इसी चीज को जो है हम फंक्शन के फॉर्म में वी राइट इट डाउन। नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में हमने बहुत फंक्शंस किए हैं ठीक है। फंक्शंस में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो y है y को हम एफ एक्स की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ठीक है। ये हमारा दिस इज आर फंक्शन इज देयर। इस फंक्शंस के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं ठीक है, उनको हम जब हम एलिमेंट फॉर्म में जब हम उसको लिख रहे हैं तो इट विल बी लाइक इफ एक्स इज वन, अगर हमारे पास एक्स वन है तो एफ एक्स विल बी वन, इफ एक्स इज टू एफ एक्स इज फोर ठीक है। लाइक दिस वी आर राइटिंग डाउन। ओनली थिंग इज यहाँ पर ये रिलेशन ना लेकर हम इसको फंक्शन के सॉल्यूशन का सेट हम उसको ले रहे हैं ठीक है। अदरवाइज फंक्शन में एवरीथिंग इज सेम जो आपने नाइन्थ में किया, बट थोड़ा सा और इलेबोरेट फॉर्म में आएगा। फंक्शन को पहले समझ लेते हैं, फंक्शन है क्या चीज। इफ आई एम सेइंग एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ठीक है, तो एफ को आप फंक्शन ना मान के आप इसको फैक्ट्री मान लो ठीक है। फैक्ट्री में जब आप एक्स को डाल रहे हैं तो आपके पास बाहर जो आ रहा है दैट इज टू एक्स प्लस वन इज कमिंग आउट ठीक है। अगर आपने फैक्ट्री में वाई को डाला तो बाहर क्या आएगा, टू वाई प्लस वन। यू फॉलोइंग दिस। अगर आपने फैक्ट्री में 5 को डाला तो बाहर क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 5 प्लस 1 ठीक है। सो फंक्शन इज बेसिकली विद अ सर्टेन इनपुट, फंक्शन का काम क्या है, टू गिव अ पर्टिकुलर आउटपुट ठीक है। किसी एक इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट देना, दैट इज व्हाट इज पर्पस ऑफ फंक्शन इज देयर ठीक है। Let me ask small question. If I am saying fx is equals to 5x plus 1, find f of fx. Okay, Siddhant, आप बताएं बेटा, मैंने x डाला तो 5x plus 1 आया, अब मैं फैक्ट्री में x की जगह क्या डाल रहा हूँ बेटा, fx डाला। तो फैक्ट्री में x की जगह fx डाला तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 5 times of fx plus 1। But यहाँ पर हमारे पास fx की वैल्यू तो गिवन है, तो उसको हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं है ना। सो व्हाट वी विल गेट इज 5 times of
5fx plus 1 plus 1. So what I'm getting is 25x plus 5 plus 1 or 25x plus 6. ठीक है जी, everyone understood this? Yes, sir. Okay. So let's see. I am interested in इसी में हम ले रहे हैं first one, ठीक है? I am interested in f of x square. चलो जी, चैट बॉक्स में टाइप करें f of x square कितना होगा, थोड़ा सा ट्राई करें, अभी गलत आंसर्स आएंगे, है ना, नया टॉपिक है, बट ट्राई जरूर करें. fx की वैल्यू यही लेनी है बेटा, 5x plus 1. Okay, two different answers are coming. हाँ जी, waiting. Amita, yours correct. Sachit, check it again. हाँ जी, हाँ जी, कम अगेन. सचेत, योर वॉइस इज कमिंग वेरी ब्रोकन, है ना, आपका गलत है बेटा आंसर. हाँ जी, सचित करेक्ट. चलो जी, लेट मी आस्क विजया. विजया, आपने क्या किया बेटा? सिद्धांत, बड़ा खतरनाक सा आंसर आया बेटा, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई. सो ट्विशा, विजया एंड खुशाग्रा, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग सेम आंसर. निष्ठा, विशा, मिनल, अनन्या, चलो जी एक बार देख लेते हैं पहले कहां पर मिस्टेक हो रही है. विजय, आप बताएं आपने क्या किया, पहला स्टेप क्या आएगा बेटा? सर, मैंने पहले f of fx के रिप्लेस कर दिया था इससे. आपने क्या लिखा, क्या आप बताओ? दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सर, 5 टाइम्स ऑफ f of x का स्क्वायर प्लस 1. ओके, उसके बाद क्या किया आपने? सर, 5x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया fx स्क्वायर में. ओके, यहां पर बेटा ये x square है, x की जगह पर x square डाल रहे हैं, आप समझिए इस चीज को. f of x जो है वो 5x plus 1 है. अब आपने x की जगह पर आपने जो है गुचड़ मुचड़ डाला, तो आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ गुचड़ मुचड़ प्लस 1, है ना. और इसकी जगह आपने x square डाला, तो आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ x square plus 1. और मैं यहीं पर अगर आपको बोलता कि fx का स्क्वायर, तब आप बोलते सर ये तो एफ एक्स 5x प्लस 1 का स्क्वायर है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आपने मिस्टेक कर दी बेटा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. सो द आंसर इज 25x स्क्वायर प्लस 6. ठीक है जी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Very good, impressive, है ना? फिर से देखते हैं. Okay. If fx is 2
2x² + 1. Find f of 1/x. जी वेरी गुड सचेत त्विशा अमिता ठीक है सिंपल कुछ नहीं करना था आपको यू विल से दिस इज एक्स की जगह पर 1/x आएगा बेटा square + 1 सो दिस इज योर 2+x² / x² ठीक है क्लियर है यहां तक. So last one in this I am taking is if fx is x² + 2 and gx is 5x + 1 find f of g of x + 1. ठीक है इसमें राइट अप्रोच इज आप पहले जो है इसको सॉल्व करें फिर इसकी वैल्यू एफ में डालें फिर उसको सॉल्व करें. हाँ जी वेरी गुड सचेत. हाँ जी ट्विशा आपने जी ऑफ एक्स प्लस वन भी गलत फाइंड किया बेटा. जब हम बात कर रहे हैं पहले हम जी एक्स प्लस वन फाइंड करेंगे तो इसका सिंपल मतलब है कि जहां पर एक्स था अब वहां पर एक्स प्लस वन होगा बट अगर आपने उसको 5x + 1 लिखा तो ये गलत है ना क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में आएगा. ठीक है सो दिस इज 5x + 5+1 सो दिस इज 5x + 6. हाँ जी सचेत खुशाग्र विजया सिद्धांत आपने ओके आपने कहा मिस्टेक की है 25. नहीं बेटा आपने सिद्धांत किया है आपका जी एक्स प्लस वन आ गया बेटा. ठीक है तो यहां पर इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली उसने इनडायरेक्टली बोला था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन बट एक्चुअली ही मेंट टू से यू फाइंड एफ ऑफ 5x + 6 है ना ये फाइंड करना था आपको. ठीक है तो अगर एक्स होता है तो वी गेट x² + 2 और अगर 5x + 6 है तो एक्स की जगह पर 5x + 6 लिखेंगे हम 2
ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो 25x² प्लस 30x प्लस 36 एंड 238, दिस इज माय आंसर। ठीक है ट्विशा, आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं, मिनल, अनन्या, आज तो निष्ठा के भी आंसर नहीं आ रहे हैं। निष्ठा, यू आर फॉलोइंग दिस, समझ में आ रहा है? यस सर। सर 60x होगा, 30 × 60x। हाँ जी, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में दिस थिंग इज देयर। लास्ट वन इन दिस, इफ एफ ऑफ एक्स is x² plus 7x चलो find f of minus x। इजी वन है, हाँ जी ठीक है। चलो जी, है ना, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको फंक्शन तो पता चल गया, इसमें यहां पर एक बार फंक्शंस को डिफाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, या फंक्शन को डिफाइन करने की जगह पर बेसिकली चलो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज या नीड भी देख लेते हैं। डिफाइन फंक्शन, सो दिस राइट डाउन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना, एफ एक्स और एक्स के बीच में, वाई के बीच में रिलेशन है। एक्स और वाई में हम वाई को जो है वो एफ एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं। सो फंक्शन इज अ रिलेशन from set A to set B denoted by fx, and this set A is a non-empty set and this set B is also a non-empty set। ठीक है, इसमें जो first thing है सेट ए से सेट बी के बीच में जो रिलेशन है जिसको हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, है ना, दैट इज व्हाट इज फंक्शन इज देयर। बट इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज वन इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद elements of set B, and second one is all elements of set B A or you say that an element of set A is associated with one and only one element of set B। ये second point बहुत important है, first point तो एक general requirement है। ठीक है, आपके पास दो sets हैं A and B। जब हम function को define कर रहे हैं बेटा, तो जो पहला point है, पहला point क्या बोल रहा है कि all elements of set A are associated with elements of set B,
ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा भी साइड में करते हैं ना, इसको बाद में जब हम डोमेन रेंज करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड वन ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 है, यहाँ पर आपके पास 4 5 6 है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर इसको हटा दूं एंड ओके लेट्स से इसको रखते हैं और इसको हटा देते हैं, क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? कंडीशन क्या है? सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है ना, तो माय कंडीशन इज स्टिल गेटिंग सेटिस्फाइड। बट इफ आई एम डूइंग इट लाइक दिस, अगर मैंने इसको यहां पर 4 लिखा है एंड आई एम डूइंग लाइक दिस, अब क्या हो गया? सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। सो यू विल से दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और इसको अगर लॉजिकली देखेंगे, लॉजिकली इसका मतलब है अगर मैं बोल रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+1, ठीक है, अगर x को मैंने 2 डाला बेटा, तो क्या x को 2 डालने पर मेरे पास 2 या 2 और मोर रिजल्ट आ सकते हैं? मेरे पास रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, फैक्ट्री में मैं कुछ एक चीज इनपुट कर रहा हूं तो आउटपुट जो है वो एक ही आएगा। यू कैन नॉट हैव 2 आउटपुट्स। अगर मुझे 2 डालने पर मेरे पास आउटपुट 4 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो गया है कि भाई फैक्ट्री में 2 डाला, पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर क्या निकलेगा, 4 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, सो देन इन दैट केस दैट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में आप x की एक वैल्यू डालेंगे तो एफ एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अदर वे इट इज अलाउड, दैट इज कि मैंने x को 5 डाला तो 0 आ गया, 2 डाला तो भी 0 आ गया, 1 डाला तो भी 0 आ गया, दैट इज एक्सेप्टेबल कि x की डिफरेंट वैल्यूज डाल रहे हैं बट एफ एक्स एक ही आ रहा है। ठीक है, बट अदर वे इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगेन x एंड एफ एक्स दीज आर माई सेट्स आर देयर, x की हर वैल्यू पर 1 2 3 4 देयर विल बी वन एंड ओनली वन लाइन विल बी कमिंग आउट, सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए बेटा। ठीक है, अगर आप देखेंगे x की हर वैल्यू के साथ सिर्फ वन लाइन इज विच इज कमिंग आउट। एफ एक्स कैन हैव अ मल्टीपल एरोज और मल्टीपल लाइंस कमिंग टू इट, दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो इज दिस अ फंक्शन? यस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का क्लियर हुआ रिक्वायरमेंट? यस यस सर। ओके, ठीक है, अगर मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब है आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर मैंने 100 डाला, 1000 डाला? ठीक है, 1000 डालने पर एफ एक्स की कुछ वैल्यू आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू 1002 आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज सेइंग कि आप फैक्ट्री के अंदर कौन से नंबर्स डाल सकते हैं, द नंबर्स विच यू कैन पुट इनसाइड द फैक्ट्री, दोज आर कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब है, डोमेन इज आपको रिलेशनशिप में याद होगा, हम व्हेन वी आर डूइंग 1 2 3 2 5 4, तो आपका जो डोमेन था, डोमेन इज 1 3 एंड 5 है ना, एंड रेंज इज 2 2 एंड 4। जब हम एफ एक्स के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ अ सेट, वेयर सबसे पहले आपका एक्स आएगा और उसके बाद जो है आपका एफ एक्स आएगा। ठीक है,
इस फॉर्म में वी राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. तो यहां पर जो एक्स है, ठीक है, सो डोमेन इज ऑल वैल्यूज एक्स कैन हैव, दैट इज डोमेन. रेंज इज ऑल वैल्यूज एफ एक्स कैन हैव. ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशंस ओनली. अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इन दिस क्वेश्चन यू से डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज, है ना. हमें कोई पंगा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, कोई भी वैल्यू डालो, वी आर हैप्पी विद इट. ठीक है, बट प्रॉब्लम विल डेफिनेटली अराइज अगर यहाँ पर सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाएंगी हमारी. ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होंगी, लेट्स सी इट. रेडी? अच्छा, इससे पहले ना एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो काफी फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट्स सी इट हियर. You have got f is defined as x y. F is defined by x y comma x plus y such that x and y आर इंटीजर्स. ठीक है, एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, है ना, दैट इज इंटीजर क्रॉस इंटीजर. तो आप एफ जो है वो उसका एक सबसेट है. तो क्या ये एफ जो है ये एक फंक्शन है या नहीं, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. ठीक है, तो फंक्शन में बेसिकली आप जो इनपुट दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका आउटपुट आता है, बट एक इनपुट पर आपका एक ही आउटपुट आना चाहिए. एक इनपुट पर अगर दो आउटपुट आ गए देन इट इज रॉन्ग. ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर. ठीक है, अब मैं यहां पर इनपुट में अगर मैंने एक्स और वाई, अगर मैंने एक्स और वाई को आई हैव टेकन एज 1 and 6. ठीक है, तो x और y को इफ आई एम टेकिंग 1 and 6, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6. सो बेटा मेरा इनपुट क्या हुआ यहाँ पर, 1 into 6, दिस इज माय इनपुट, है ना, और मेरा आउटपुट क्या आएगा, माय आउटपुट विल बी 1 plus 6, दैट इज 7. इसका मतलब है फैक्ट्री में हम जब 6 डाल रहे हैं तो हमारे पास जो बाहर निकल रहा है दैट इज 7, है ना. इसी को हम नॉर्मल वे में फंक्शन को लिखते हैं तो वी वुड हैव रिटन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना. जब हम यहाँ पर 1 और 6 डाल रहे हैं तो वी आर सेइंग एफ ऑफ 1 into 6 इज 1 plus 6 और एफ ऑफ 6 इज 7. बट इफ आई एम टेकिंग एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, सो बेसिकली दिस इज 2 cross 3 and output is 2 plus 3. Or if you'll see here, this is f of 2 into 3, this is also 2 plus 3, or f of 6 is 5. So is this a function? No, you know, so that's what the question is. Yahan par f of 6 ki jo hai, 2 values are possible, and as each input there has to be exactly 1 output, this is not a function.
ठीक है राइट। चलो जी वापस डोमेन और रेंज पे आ जाते हैं। क्या आप कुछ कैन यू थिंक ऑफ सम फंक्शन जहां पर यू आर नॉट फ्री टू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। इफ आई एम सेइंग एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, सो नाउ आर यू फ्री टू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर? सर एक वैल्यू नहीं डाल सकते। कौन सी नहीं डाल सकते? माइनस वन। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो है वो डोमेन का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। व्हेन इट सेज फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है दैट इज रियल माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, दैट समथिंग 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 इज फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच वी आर हैविंग। और जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास है, ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ क्लास 11 जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज वन इज डिनोमिनेटर कांट बी जीरो एंड बी सेकेंड इज नेगेटिव नंबर कांट बी इनसाइड स्क्वेयर रूट। ठीक है, हम इन दो रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करेंगे व्हेन वी आर फाइंडिंग द डोमेन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है जी, नंबर वन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x square plus 6. इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, लेट्स सी हियर इफ एनीवन, वेरी गुड, इंप्रेसिव सचित। हाँ जी हमिता, करेक्ट, वेरी गुड। How about others? Nope. चलो अमिता, आपने कैसे किया बेटा? Just observation से? Yes sir. Okay. अदरवाइज अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट देखें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई
रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है? रूट के अंदर ना ना फिर से सोचो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है. व्हाट डज इट मीन कि रूट के अंदर जीरो या पॉजिटिव है ना, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ठीक है, सो वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस सिक्स, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. देयरफॉर डोमेन इज रियल सेट. ठीक है जी, सर ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे एक्स के. बहुत सारे नहीं, इनफाइनाइट सारे वैल्यूज पॉसिबल है. एक्स को कुछ भी डालो आप यहाँ पर. भाई हमारी लिमिटेशन क्या थी कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स को कुछ भी डालोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, और सिक्स जो है वो पॉजिटिव है ही हमारा, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. कोई लिमिट ही नहीं है ना, बेसिकली देयर इज नो लिमिट टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स. अदरवाइज लिमिट कहाँ आती है, जब आप जैसे मैं अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया, इफ आई एम सेइंग बी इज एफ एक्स इज रूट ऑफ सिक्स माइनस एक्स. अब यहाँ मेरे पास लिमिट है, लिमिट क्या है, अगर मैं यहाँ पर 10 डाला एक्स को 10 डालने पर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट ऑफ माइनस फोर, और ये इमेजिनरी होता है. ठीक है, तो मेरे पास अगर इमेजिनरी आया या बाहर उछल कूद करके इन्फिनिटी आया तो वो दोनों अलाउड नहीं है. ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं. वो कह रहे हैं आप एक्स को कुछ भी डालो हमेशा जो है वो एक रियल नंबर बन के ही आएगा, तो एक्स जो है कैन बी एनी रियल वैल्यू. ओके सर, तो अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है तो बेसिकली आई विल से 6 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. So 6 should be greater than equals to x or x should be less than equals to 6. Okay, so domain of given function is, okay, hamare given function ka domain kya hoga? So you will say this is, aap brackets use karenge, hai na? So this is round bracket from infinity, minus infinity till 6, 6 is inclusive. This is the domain for function f. ठीक है, यहाँ पर जो है this is this square bracket means inclusive. 6 is inclusive. And round bracket means this is exclusive, not included. Can you be listening? हाँ जी, फिर से बोलो सिद्धांत. सिद्धांत कम अगेन बेटा, नो सर. जी सर, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम वो कर सकते थे क्या, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक ऐसे जैसे आपने सोलह में ओके. चैट बॉक्स में टाइप करें डोमेन.
सचित इट्स रॉन्ग, विशा आपका भी गलत है भाई। सचित हमने यहाँ पर कभी बोला ही नहीं कि एक्स जो है वो एक इंटीजर है। ओके ट्विशा एंड खुशाग्र आप दोनों जो है बेटा इसमें माइनस टेन डालकर देखें वैल्यू। अगर आप माइनस टेन डालेंगे तो दिस इज कमिंग एज नाइन माइनस हंड्रेड विच इज स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 81, तो आपका आंसर गलत हो गया है ना। तो हमारी सिंपल सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वायरमेंट क्या थी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यही साइन जो है x should be greater than equals to 3 और इसी साइन को यहाँ पर लेते रहेंगे और यहाँ पर 3 की जगह माइनस 3 डालेंगे। ठीक है ये सॉल्विंग इनइक्वालिटी जो है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में विल डिस्कस अबाउट इट। सो आपका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्या होगा दैट डोमेन ऑफ f इज सो ये इंक्लूसिव है तो स्क्वेयर ब्रैकेट फ्रॉम माइनस 3 टिल 3 दिस इज माय डोमेन। हाँ जी हाँ जी आपका भी करेक्ट था बट आपने सिर्फ इंटीजर्स लिख दिए वहां पर गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ जी होमिता वाज करेक्ट। ठीक है मिनल समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है डोमेन तो फिर भी इजी है, पंगे तो रेंज में होते हैं। ठीक है रेंज का क्या मतलब है, एक्स की आप जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज डालते जाएं तो एफ एक्स की कितनी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। क्या एफ एक्स जो है 1 मिलियन आ सकता है? इज इट पॉसिबल टू गेट एफ एक्स एस 10 और माइनस 10 है ना। तो रेंज का मतलब है कि एफ एक्स की कितनी वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज व्हाट इज रेंज इज देयर। सो टू फाइंड रेंज नंबर 1 चेक इनिशियल लिमिटेशन, नंबर 2 replace position of fx and x and apply limitations. ठीक है कहने का मतलब ये है पहले मैं अगर जब शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में आई एम टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहीं पर पहले बताओ आप कि क्या लिमिटेशन है, एफ एक्स की क्या लिमिटेशन है, उसकी वैल्यूज की क्या लिमिटेशन है, क्या आप कुछ कह सकते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई एफ एक्स ये तो हो ही नहीं सकता। दोबारा बोलो योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर। एफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ जी क्योंकि ये रूट है, रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंटिल एंड अनलेस यहाँ पर नेगेटिव साइन ना हो तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। सो बिफोर वी स्टार्ट प्रोसीडिंग यहीं से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और कोई लिमिटेशन तो है नहीं हमारे पास, तब लेफ्ट और राइट आप इंटरचेंज करेंगे। यहां पर आपके पास जो आया एफ एक्स इक्वल टू समथिंग आया यू विल रिजॉल्व इट टू एक्स इक्वल टू समथिंग। सो आई एम गेटिंग एफ एक्स स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
x square is 9 minus f square x. F square x is same thing as fx whole square. X is root of 9 minus f square x. Root of something cannot be negative. तो यहीं पर आप वापस लिमिटेशन लगाएंगे. 9 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9. चेक करें ना, ज्यादा फास्ट ना हो जाए. ये समझ में आ रहा है सबको? रबड़ दोबारा बता दो. ये वाला स्टेप क्लियर है आपको? यस सर. उसके बाद मैंने स्क्वेयरिंग दो बोथ साइड किया बेटा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अब आई शुड हैव समथिंग लाइक एक्स इक्वल्स टू समथिंग. तो मैंने एक्स स्क्वायर एक साइड लिख लिया, ठीक है. नाउ आई हैव डन, मैं एक्स इक्वल्स टू समथिंग चाहिए ना मुझे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए. तो मैंने एक्स इक्वल्स टू, मेरे पास आया रूट ऑफ 9 माइनस एफ स्क्वायर एक्स. अभी क्लियर है यहां तक? यस सर. अब वापस वही लिमिटेशन लगाओ जो आप डोमेन के लिए लगा रहे थे, है ना. डोमेन मींस एक्स की वैल्यू की लिमिटेशन आप लगा रहे थे, रेंज का मतलब है एफएक्स की वैल्यू की लिमिटेशन. तो एफएक्स की वैल्यू की लिमिटेशन आपकी क्या हो गई कि 9 माइनस एफ स्क्वायर एक्स जो है रूट के अंदर है, तो ये एक पॉजिटिव होना चाहिए, है ना. तो सेम थिंग आई एम अप्लाइंग हियर नाउ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एफएक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 and should be greater than equals to minus 3. ठीक है, now think on it. ठीक है, ये हमारी रेंज आ रही है, but before we got this range we had this limitation. ठीक है, क्या limitation थी कि fx को positive होना पड़ेगा. तो क्या ये हमारी रेंज हो गई? नहीं, इस रेंज पर हमें इसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा. ठीक है, so my range is range of function is from 0 till 3. Domain of function is minus 3 till 3. ये domain है और range है. कुशाग्रा भी समझ में आया बेटा आपको? यस सर. बेटा एक मिनट होल्ड करना, है ना.
जी कॉपी एवरीवन सर यस सर ओके तो आपका जो क्वेश्चन आता है ना ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना कॉमन इन अ सेंस आउट ऑफ 100 चैप्टर 75 क्वेश्चन कम्स सो इसके आने के चांसेस क्वाइट फेयर मींस अबाउट 30-50% ठीक है वेयर सम फंक्शन विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज सो आई एम गिविंग एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन 3 minus x. Find domain and range. Okay. I'm solving this here. If I am saying domain, domain तो बिल्कुल simple है. देखते ही आपको दो restriction लगानी है. That's it. पहली restriction square root में negative नहीं होना चाहिए. Second restriction denominator should not be zero. ठीक है? So for domain. For domain, you will say that 3 minus x should not be 0 or x should not be 3. Therefore, domain of function f is real number minus element 3. ठीक है? अब बात किसकी आ गई? Range की. For range, ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनिशियल हमारे पास कोई रेंज से रिलेटेड लिमिटेशन नहीं दिख रही है ना कि यू कैन नॉट से कि रेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना नथिंग इज देयर सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट एक्स नाउ इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आपको एक्स को लिखना है एफ एक्स की टर्म्स में सो यू विल से 3 minus x into fx is x minus 2. So 3 times of fx minus x into fx is x minus 2. You know? So this is 3 times of fx plus 2. Oops. Hanji hanji. X wali term ko main ek side likha ja raha hu. So x plus x into fx. Theek hai? चेक करें यहां तक क्लियर है यस सर सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स जो लिमिटेशन आप डोमेन के लिए लगा रहे थे सेम लिमिटेशन आप रेंज के लिए लगाएंगे है ना So you will say that as denominator can't be zero, therefore 1 plus fx is not zero, fx is not equals to minus 1. That's it. अगर fx minus 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब fx क्या हो सकता है? दुनिया का हर नंबर, ठीक है? So we have range of function is real number minus element minus 1. That's my answer. Sir, I'm also expecting fx can have any value except minus 1. any real value except minus 1 ठीक है तो वो वर्डिंग्स में हो गया लिख सकते हैं बट प्रेफरेबली हम जो है इसको सेट फॉर्म में ना सिंपलेस्ट फॉर्म में बट वर्डिंग्स में लिख सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर
ठीक है जी. वन मोर क्वेश्चन आई विल सॉल्व हियर नाउ विद हेल्प ऑफ समवन, है ना. एनी वॉलंटियर अदरवाइज आई पॉइंट आउट. सो एफ एक्स इज 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर. फाइंड रेंज एंड डोमेन. हाँ जी, कौन हेल्प कर रहा है. चलो निष्ठा आप आ जाओ बेटा, बताओ कैसे स्टार्ट करें. नहीं खुशाल बताओ. हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो फिर 3 - x² should not be √3. x square should not be 3. And x should not be equal to √3. चलो जी, कौन बताएगा क्या मिस्टेक किया निष्ठा ने. प्लस माइनस √3. ठीक है, तो डोमेन बता दो क्या हो गया निष्ठा. सर एवरीथिंग एक्सेप्ट √3 लिखेंगे, तो फिर माइनस इनफिनिटी टू √3 यूनियन. नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है ना. रियल नंबर माइनस प्लस √3 एंड माइनस √3, है ना. और यू कैन से दिस इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टिल माइनस √3. ठीक है, नॉट इंक्लूसिव. यूनियन माइनस √3 टिल √3. यूनियन √3 टिल इनफिनिटी, है ना. थोड़ा लंबा सा हो गया ये, बट दिस ऑल्सो इज वैलिड. ओके सर. एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल माइनस √3 माइनस एलिमेंट माइनस √3. ऑलवेज आर करेक्ट. हाँ जी, आगे बताओ. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन रेंज. तो सर हम लोग लिख सकते हैं 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके हम लोग फिर बनाएंगे. नहीं नहीं, किसने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. वो भाई यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू देखते ही, सीइंग दिस कैन यू से कि एफ एक्स ये नहीं हो सकता या एफ एक्स को ये होना जरूरी है. जब हम रूट में बात करते हैं बेटा, when I'm saying fx is equals to modulus of x, I'll say x जो है, fx जो है वो positive होगा. Yes sir. I'm saying fx is equals to minus root of 5x minus 1. Then observation, fx will always be negative. है ना, ये observations है मेरी. यहाँ पर ऐसी कोई observation मेरी नहीं है. ठीक है, तो I'll just simply proceed without any limitation. I'm proceeding. तो proceed कैसे करना है. I have got here fx equals to something. I need to get x equals to something from me. ठीक है, so what I am getting here is 3 minus x square into fx is 5. 3 times of fx minus x square fx is 5. ठीक है, so माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज 5 - 3 fx एंड एफ एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर इज 5 - 3 fx / -fx. ठीक है, सो एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 fx -5/fx. ठीक है, अब फटाफट बताओ fx की लिमिटेशंस क्या क्या है. यहाँ पर fx cannot be 0. वेरी गुड. एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर जो fx 3 fx -5 should be greater than 0.
3fx minus 5 should be greater than 0. यहाँ पर गड़बड़ है भाई, कोई बताएगा क्या गड़बड़ है? by fx भी लिखेंगे, साथ में fx भी तो है आपके बेटा, yes sir, है ना? तो यहाँ पर if you can recall, ठीक है, I think two students have not done this, but हमने limits पहले solving inequality पहले किया था, है ना? तो something same will be here. अगर मैं इसके रूट्स देखूंगा, एफ एक्स के रूट क्या है बेटा, एफ एक्स का रूट क्या है हमारे पास, जीरो, yes, sir. और थ्री एफ एक्स माइनस फाइव का क्या है, फाइव बाई थ्री, ठीक है? अगर फाइव बाई थ्री से बड़ा होगा तो दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव. याद आया कुछ किया था हमने ऐसा? यस सर याद है. जीरो को लिया था हमने, तो डिनोमिनेटर जो है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज ओपन, दिस इज पॉसिबल, सो दिस इज क्लोज, सो दिस इज माय रेंज. यस सर, ठीक है. सो आई विल से रेंज ऑफ फंक्शन, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टिल जीरो. Zero is not inclusive, union and minus infinity. हाँ जी, minus infinity. 5/3 till infinity. Copied. Yes, sir. चलो, कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ तक? सर, इस वाले में हमने fx की जो पॉसिबल, मतलब पॉसिबल कह रहा हूँ, जो वैल्यूज हैं, सर उसे हमने कॉलम बनाया उससे. हाँ जी, दिस इज समथिंग लाइक ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ रूट ऑफ, ठीक है, मैंने आपको बोला y माइनस टू थ्री वाई प्लस वन अपॉन y इंटू y माइनस फाइव, ठीक है बेटा. अब मुझे पता है रूट में है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए. अब मैं देख रहा हूँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगी, है ना? तो सबसे पहले मैं इसके जीरोस प्लॉट कर रहा हूँ. जीरोस इसके कौन कौन से हैं, टू माइनस वन बाई थ्री, जीरो एंड फाइव, ठीक है? तो ये मैंने जीरोस प्लॉट किए हैं. दिस इज फाइव, सो दिस इज टू, दिस इज माइनस वन बाई थ्री एंड दिस इज जीरो, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताएं, वाई, अगर मैं वाई की वैल्यू फाइव से बड़ी लूं, तो फाइव से बड़ी वैल्यू लेने पर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव होंगी ना, y से, अगर मैंने y की वैल्यू 5 से बड़ी ली है, है ना? तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? अगर मैंने 5 से छोटी और 2 से बड़ी ली है, तो सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी मेरी, बट ये वाली टर्म, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो गया. अगर मैं 0 से 2 के बीच में ले रहा हूं, तो ये वाली टर्म भी मेरी नेगेटिव आ जाएगी.
तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये पॉजिटिव हो गई और ये यहाँ पर ऐसी नेगेटिव। साथ में मैं क्या देख रहा हूँ कि वाई जो है वो जीरो नहीं हो सकता, सो नॉट इंक्लूसिव। वाई फाइव भी नहीं हो सकता, नॉट इंक्लूसिव। टू हो सकता है और माइनस वन बाई थ्री हो सकता है। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए था तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना हमारी, जीरो टू टू, सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो y कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, y विल अज्यूम द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल माइनस वन बाय थ्री, ठीक है। इस केस में जो है तीनों टर्म्स हमारी, तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, चारों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव सारी कैंसिल होकर फिर वो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। सो यूनियन एंड देन इज योर जीरो टिल टू यूनियन फाइव टिल इंफिनिटी, दिस इज योर, अगर हम f ऑफ y में लेंगे तो ये y का, f ऑफ y या फंक्शन का डोमेन हो गया ये हमारा। ओके सर, ठीक है जी। एनीवन एल्स डाउट इन दिस? नो सर। ओके, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, है ना, ताकि डाउट्स रेज होने शुरू हो जाएं। fx is x upon 1 plus x square, डोमेन तो बहुत इजी है ना, बच्चों का खेल है। अभी डोमेन जो है वो हमारी रेंज से बाहर हो गया है ना, डोमेन की जरूरत ही नहीं है। डोमेन बता दो यहाँ पर खुशाग्रह, क्या होगा डोमेन? सर डोमेन, हाँ सर, हम पहले लिमिटेशन देखेंगे। क्या लिमिटेशन? सर्किट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो फिर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो सर तो माइनस वन का वो हम लगा दें सेट, मतलब आर माइनस फाइव। अब बोलो एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है सर? एक्स की रूट ऑफ माइनस वन वो तो पहले ही नहीं था, हम तो सिर्फ रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि x की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर माइनस वन, वैसे ही नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या है आपका? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन। यस सर, यस, ठीक है, यस। व्हिच is true for all value of x, therefore domain is R. अब domain मिल गया, अब range की बारी आ गई ना, पंगे वहीं पर है। अब range में मैं क्या कर रहा हूँ, fx लिखना जो है ना बहुत tedious सा task है ना, and I am lazy person. I am writing this as y. So y is equals to x plus 1 by x square. To find the range, I have to write down x in terms of y, है ना? मुझे चाहिए x जो है वो क्या क्या होगा, this is what I need. Understood? Yes. ठीक है, तो कैसे करें भाई, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो आई एम गेटिंग वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। एनीवन, हाउ यू कैन राइट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स? डिंग 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 डिंग,
सर हाँ जी x by x square plus 1 x by x divided by x square plus 1 सर फिर y कॉमन ले लेंगे तो x मेरे पास plus... तो फिर मेरे पास वो आ गया ना y आ गया हाँ. y is x divided by x square plus 1 yes, यहाँ से शुरू किया था गाड़ी वहीं पर घुमा दिया आपने ये तो लिखना है x is equals to y upon y something something like that okay sir sir हाँ जी बोलो splitting the middle term तो इतनी खतरनाक मुझे आती नहीं splitting the middle term से ना हो तो क्या करूँ मैं फिर Impressive, too good. सचित कह रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक है x की टर्म में तो आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लें ठीक है सो आप क्या बोलेंगे x is equals to minus b that is minus one का minus that is plus one plus minus root of b square minus 4a into c upon 2a चेक कर लेंगे यही आ रही है ना x की वैल्यू ठीक है जी ठीक है yes. तो अब यहां पर हम रेंज के लिए लिमिटेशन लगाएंगे दो लिमिटेशन है कौन कौन सी है बोलो बोलो रूट जो है वो जीरो माइनस नहीं हो सकता डिनोमिनेटर जीरो वेरी गुड 1 माइनस 4 y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2y इज नॉट इक्वल्स टू 0 ठीक है सो y इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हियर यू आर गेटिंग 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4 So y is less than equals to 1/2 and less than equals to minus 1/2. ठीक है जी? So what you are getting is range. Range is from minus 1/2, comma 0, union 0, 1/2. This is your range. ठीक है डन डन सर आप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो मतलब वर्कशीट टाइप ग्रुप पे कभी मतलब कभी नहीं नेक्स्ट क्लास से पहले कैसे मतलब मैं समझ नहीं क्या कह रहे हैं जैसे आप वर्कशीट भेजते हो ना सर जैसे मतलब वैसे ऐसे क्वेश्चंस क्या भेज दोगे पिछले क्लास से पहले नहीं स्टिल नॉट क्लियर मतलब वर्कशीट मैं यहां पर लोड करके फिर क्वेश्चंस डिस्कस करूं नहीं नहीं सर मैं कह रहा हूं कि सर आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भेज दोगे हां हां बिल्कुल बिल्कुल इस पे वर्कशीट कह रहे हैं ना आप भेजने के लिए यस सर हां बिल्कुल So tomorrow I'll send, ठीक है? Okay sir.
रेडी, एक क्वेश्चन और कर लें। चलो जी एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं बिफोर वी एंड द सेशन। ठीक है, अभी इसमें फंक्शन में जो हमारे पास बचा है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर लेफ्ट, उन फंक्शंस के ग्राफ। ठीक है, एंड दैट्स इट, सम मोर प्रैक्टिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले डोमेन टाइप करके भेजें, उसके बाद रेंज। हाँ जी सचे, डोमेन इज करेक्ट। अच्छा एक छोटा सा चेंज कर लें ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है पहले, तो एक छोटा सा चेंज कर लें, इसको अपॉन वन कर लें, तो ये अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब सॉल्व करें इसे आप। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले सभी डोमेन सेंड करें है ना, विल डिस्कस डोमेन एंड देन रेंज। हाँ जी डोमेन इज करेक्ट फॉर सचेत खुशाग्र मिता। विजय आपने क्या भेजा बेटा, डोमेन और रेंज? सर डोमेन। हाँ जी सर डोमेन। यस सर। बेटा डोमेन में दो रिस्ट्रिक्शन आ रही है हमारे पास,
पहला क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वी विल से 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। दूसरा ये रूट में है तो वी आर गेटिंग 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस 4। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डोमेन आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 4 नहीं होना चाहिए और माइनस 4 से 4 के बीच में ही होना चाहिए। सो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज माइनस 4 टिल 4, बोथ एंड्स नॉट इंक्लूसिव। तो रेंज के लिए मैं एफ एक्स को वाई मान लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करें, ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाएं, अब मुझे एक्स की टर्म्स में वाई लिखना है, ठीक है। सो यू विल से दिस इज y square x square is 16 y square minus 1, x square is 16 y square minus 1 by y square, ठीक है। so x is square root of 16 y square minus 1 upon y। अब यहाँ limitation लगाएंगे आप, so you say first is y is not 0, second is 16 y square minus 1 is greater than equals to this, y square is greater than equals to 1 by 16, ठीक है ना। so y is greater than equals to 1 by 4 and less than equals to minus 1 by 4, but y 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और y 1 by 4 और minus 1 by 4 के बीच में भी लाई नहीं कर रहा है, तो 0 की अहमियत तो ऐसे ही खत्म हो गई। So range of function f is from minus infinity till minus 1 by 4 inclusive union 1 by 4 till infinity. Range का मतलब है आप x की दुनिया भर की जितनी भी values possible हैं वो डालेंगे तो fx जो है वो इसी बीच में आएगा, कोई और value possible नहीं है। ठीक है जी, माइनस 4 कॉमा 0 ऐसे में लिखेंगे सर, क्या चीज सर मुझे समझ नहीं आया सर कैसा रेंज। हाँ इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, इसका मतलब क्या है कि माइनस 1 by 4 जो है, माइनस 1 by 4 जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये y से बड़ा है, तो मतलब y जो है माइनस 1 by 4 से छोटा है। Yes, sir. तो ये आ गया आपके पास, और y जो 1 by 4 से बड़ा है तो ये आ गया, और y 0 नहीं होना चाहिए तो 0 तो इंक्लूड भी नहीं किया था मैंने, समझ में आया। मैं कंफ्यूज हो गया, कहाँ पर कंफ्यूजन है बताओ फिर से सर। y 1 by 4 से बड़ा है लेकिन वो -1 by 4 से छोटा कैसे। अच्छा नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ओके आ गया सर समझ। चलो जी देन लेट्स एंड द सेशन नाउ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय बेटा।